हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। आप में जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, पहली बार मेरी रीडिंग्स चेकआउट कर रहे हैं, वेलकम। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज। अब देखिए, ये रीडिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए, मई के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ मई। मई मंथ के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा? यूनिवर्स प्लीज बताइए। ओके, वाह, लिब्रा देखिए, मैंने यहाँ पे तीन कार्ड्स निकाले हैं। फर्स्ट 10 डेज, मिडिल 10 डेज, लास्ट 10 डेज। बट दिन पे इतना फिक्स मत रहिएगा, मंथली रीडिंग है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब देखिए, फर्स्ट 10 डेज के लिए हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड्स एंड लास्ट 10 डेज के लिए हमारे पास है एस ऑफ कप्स। दो एस है हमारे पास। डेफिनेटली कोई नई शुरुआत हो सकती है मई मंथ में आपकी, चाहे वो नई जॉब हो, नया रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, नया कनेक्शन हो, बट किसी चीज की नई शुरुआत हो सकती है। ऑल्सो हो सकता है आपके लिए नंबर वन बहुत लकी हो। आपका बर्थ डेट जो है उसको आप प्लस करें तो शायद 10th है, 1+01 तो नंबर वन आता है, या फिर 11th को आपका बर्थडे आता है, 11, 11, 111, 4 times 1 हो सकता है आपको दिखे बहुत ज्यादा मई मंथ में। मैनिफेस्ट करिएगा उस टाइम पे, विश मांगिएगा उस टाइम पे, काफी लकी होता है 111, 111, 4 times 1 दिखना, ठीक है? तो वन नंबर मैनिफेस्टेशन का होता है, लक का होता है, फॉर्च्यून का होता है, तो वो चीज बहुत अच्छी हो सकती है अगर आपको मई मंथ में दिखे तो। 11:11 AM दिख सकता है, 11:11 PM दिख सकता है, मैनिफेस्ट करिएगा उस टाइम पे प्लीज। अब देखिए, फर्स्ट 10 डेज में हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स है, जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस आपकी एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई मेंटल क्लैरिटी आ रही है आपको किसी चीज को लेकर। मे बी थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि अच्छा ये जॉब ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है, छोड़नी है या नहीं छोड़नी है, या अपने बिजनेस में ये पर्टिकुलर रिस्क लेना है या नहीं लेना है। बट अब मेंटल क्लैरिटी आ रही है, आपको समझ आ रहा है, समझ सूझबूझ से आप काम कर रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, किसी तरीके का सच भी आपके सामने रिवील हो सकता है, ट्रुथ सामने आ सकता है। मे बी कोई डील है ऐसी जिसके पीछे कुछ एक हिडन कॉस्ट है, वो आपके सामने आ रही है मई में, फर्स्ट 10 डेज में, जो कि सामने सामने आपको नहीं दिख रहा है। तो एक हिडन चीज है जो आपको पता लग रही है, किसी चीज की सच्चाई आपको पता लग रही है। नए प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने आपको बताया, क्लैरिटी आ रही है, जीत रहे हैं आप, विक्ट्री मिल रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको सक्सेस मिल रहा है फर्स्ट 10 डेज में, एंड काफी जल्दी चीजें हो रही हैं। ओके, क्योंकि मिडिल 10 डेज में भी हमारे पास आपकी एनर्जी है नाइट ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे भी एक वो होता है ना कि घोड़े पे बैठ के जल्दी जल्दी इधर से उधर जाना, किसी एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना, अपनी मंजिल पर पहुंचना, वो वाली मुझे जल्दबाजी दिख रही है। मुझे काफी ब्रेव दिख रहे हैं आप, काफी बोल्ड स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं, काफी कॉन्फिडेंस आपका अच्छा दिख रहा है, एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हैं आप, काफी कहते हैं कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक्शन लेना, सिर्फ बोलना नहीं करके दिखाना। तो मिडिल 10 डेज में आप मुझे काम करते दिख रहे हैं, बोलने वाली एनर्जी खत्म हो गई अप्रैल में, मई में, मिडिल 10 डेज में करके दिखाना, प्रूव करना अपने आप को, कॉन्फिडेंस के साथ बोल्ड स्टेप लेना, कुछ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, ब्रेव स्टेप लेना। तो क्योंकि देखिए, क्लैरिटी यहाँ पे आ रही है, आपको समझ आ रहा है कौन सी चीज आपके लिए बेहतर होगी, अच्छी होगी, एंड उस चीज के टुवर्ड्स आप बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं। लास्ट 10 डेज, एस ऑफ कप्स, अगेन एस एस मैंने बोला, बहुत लकी है, नई चीजों की शुरुआत हो रही है, नए रिश्तों की शुरुआत हो रही है। मे बी आप में से कई लोग प्रेग्नेंट हो रहे हैं, कंसीव कर रहे हैं, फर्टिलिटी दिख रही है मुझे यहाँ पे। आपका कप जो है, इमोशंस का जो कप है, वो घड़ा पूरा भर रहा है, वो कप पूरा फिल हो रहा है, तो आप सेटिस्फाइड हैं इमोशनली एंड लव कनेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरा सेटिस्फैक्शन दिख रहा है लास्ट 10 डेज ऑफ मे में। इंटीमेसी दिख रही है, काफी प्योर फॉर्म में इंटीमेसी दिख रही है, फिजिकल इंटीमेसी, नई रिश्तों की शुरुआत, मे बी शादी, कनेक्शन, रिलेशनशिप, एंगेजमेंट, मैरिज है तो मैरिज में आप पेरेंट्स बन रहे हैं, एक नया रिलेशनशिप एज पेरेंट्स वो भी स्टार्ट हो रहा है, वो चीज भी हो सकती है। देखते हैं लव एंड कनेक्शन डेक से क्या लव मैसेजेस हैं फॉर लीब्रा फॉर द मंथ ऑफ मे। यूनिवर्स प्लीज बताइए। आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं, वो खूबियां हैं जो आपके पार्टनर को चाहिए, उनकी एक चेकलिस्ट है,
जो उनको टिक मार्क करनी है, उनको इस तरीके का पार्टनर चाहिए एंड आपके अंदर वो सारी खूबियां है। तो कभी भी अपने आप को कम मत समझिएगा, ये मत समझिएगा कि आप इनफ नहीं है या आपके पार्टनर कोई आपको क्यों पसंद करेगा। नो, यू हैव व्हाट इट टेक्स टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, टू बिल्ड अ कनेक्शन। टर्न ऑन योर लव लाइट। थोड़ा सा आपको ना, आई थिंक मई मंथ में आप किसी एक जगह पे कन्फाइन कर रखा है आपने अपने आप को, अपने अपने शायद माइंड आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलने के लिए, बट आपको अपनी लव लाइट ऑन करनी पड़ेगी। अगर आपको एक प्रॉपर कनेक्शन चाहिए, एक रिलेशनशिप चाहिए, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जो रिस्ट्रिक्शंस आपने अपने ऊपर लगा रखी हैं, चाहे वो रिलीजन की हो, कास्ट की हो, इमोशनल अटैचमेंट हो, हाइपर इंडिपेंडेंस हो, वट एवर रिस्ट्रिक्शन जो भी आपने अपने ऊपर लगा रखी हैं, आपको उनसे बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत जरूरी है, अपनी लव लाइट ऑन करिए एंड वो फर्स्ट स्टेप लीजिए, इनिशिएट करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, एक जगह पे खड़े मत रहिए। हो सकता है कोई चीज आपको अभी नहीं पता, बट आपको टाइम से, सही टाइम आने पे, राइट टाइम राइट प्लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें प्लीज बिलीव करना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे वो रोमांटिक हो चाहे वो प्रोफेशनल हो। बट आपको कोई चीजें अभी नहीं पता, आगे जाके आपको पता लग जाएंगी। मे बी कोई आपको पसंद करता है, वो अभी कन्फेस नहीं कर रहा है अपना प्यार आपके लिए, बट सही टाइम आने पे वो कन्फेस करेगा। ठीक है, हो सकता है मे सही टाइम हो एंड मे में वो इंसान कन्फेस करे अपना प्यार आपके लिए। तो थोड़ा उस चीज को ना, उस चीज के लिए रेडी रहिए एंड पोक मत करिएगा किसी इंसान को कि अच्छा मुझे लग रहा है कि तुम कुछ बताना चाह रहे हो, मुझे तो बताओ बताओ, नहीं मुझे अभी जानना है, ये सब मत करिएगा। यूनिवर्स प्लीज बताइए लीब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ मे। मैसेजेस फॉर लीब्रा फॉर द मंथ ऑफ मे। ओके, टीयर ड्रॉप्स, ग्रेट पर्सनल सोरो। किसी चीज में कोई पर्सनल सोरो हो सकता है, मे बी कोई प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाए, या फिर किसी इंसान की शायद थोड़ी सी तबीयत खराब हो सकती है, या फिर कोई चीज आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये ऐसी होगी बट वो वैसी निकल नहीं रही है। पर्सनल रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मे बी किसी से सेपरेशन हो जाए आपका। किसी लीब्रा से रेजोनेट कर सकता है ये मैसेज, किसी से नहीं रेजोनेट कर सकता है। जबरदस्ती फिट मत करिएगा, स्पेसिफिक मैसेज है। ठीक है, अगर कुछ मैच नहीं कर रहा, दैट मीन्स कि वो मैसेज आपके लिए नहीं है। बट किसी के साथ सेपरेशन हो सकता है एंड वो एक पर्सनल सोरो हो सकता है आपके लिए, किसी से अलग होना, किसी से जुदा होना, किसी से सेपरेट होना। तो उसको आप थोड़ा दुख एंड सैडनेस वाले मोड में आप उसकी वजह से जा सकते हैं। लीब्रा के लिए मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ मे। यूनिवर्स प्लीज बताइए लीब्रा के लिए मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ मे, प्लीज बताइए। बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर द बेटर। डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं मई मंथ में आपके लिए। हमारे पास नई चीजों की शुरुआत है। हमारे पास, देखिए मैंने आपको पहले ही बोला, दो एस हैं। ठीक है, तो नई बिगनिंग्स तो हैं ही, न्यू बिगनिंग्स हैं, न्यू रिलेशनशिप, न्यू जॉब, ज्यादा मेंटल क्लैरिटी, नई चीजों की शुरुआत जब होगी तो चेंज तो होगा एंड बेटर के लिए, चेंज फॉर द बेटर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ खराब चेंज होगा जिससे आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं, ये बहुत अच्छा चेंज है एंड आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा ये। ठीक है, चेंज फॉर द बेटर। यूनिवर्स प्लीज बताइए लीब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं नेक्स्ट मंथ के लिए। ओके, टीपॉट, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। किसी सेम जेंडर के इंसान के साथ आपकी जो फ्रेंडशिप है वो काफी इंपॉर्टेंट, काफी सिग्निफिकेंट हो सकती है मे मंथ में। मे बी वो इंसान आपको किसी से मिलवाए, किसी अपने आगे आने वाले पार्टनर से मिलवा सकता है, जहां पे एस ऑफ कप्स रोल प्ले करे। मे बी ये इंसान आपको आगे जॉब दे सकता है जहां पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स रोल प्ले करे। तो ये इंसान के साथ जो फ्रेंडशिप है आपकी, सेम जेंडर का इंसान, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है मे मंथ के लिए। देखते हैं चार्म्स में से हमारे पास क्या मैसेजेस हैं लीब्रा के लिए। यूनिवर्स प्लीज बताइए, थोड़े से और चार्म्स ले लेते हैं। हमारे पास है लेटर आर, किसी का नाम, सिटी, कंट्री, लोकेशन, स्टेट, यूनिवर्सिटी, ब्लॉक कुछ हो सकता है। वाइन कंजम्पशन दिख रहा है, सेलिब्रेशन हो रही है एंड काफी क्वांटिटीज में वाइन कंज्यूम हो रही है। चीजें आ रही हैं आपके पास, लक आपकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है आपकी डायरेक्शन में, बट थोड़ी सी पेशेंस रखने की जरूरत है। मे बी चीजें जल्दी हो रही हैं बट आप जिस स्पीड से जल्दी चाहते हैं उस स्पीड से नहीं हो रही है,
तो वो कहीं पे ना मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है हमारे पास, तो चीजें जल्दी हो रही हैं, बट देन ऑल्सो आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि शायद आप और ज्यादा स्पीड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप और ज्यादा जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए। मे बी आप स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, टेनिस रैकेट स्क्वॉश बैडमिंटन रैकेट रिलेटेड कोई गेम हो सकती है। डॉग पर्सन है आप, लॉयल्टी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, डॉग लवर है, स्कॉर्पियो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, एस ऑफ कप स्पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो, एंजल्स गाइड्स एंसेस्टर्स का पूरा सपोर्ट है आपको, गाइडेंस है, वो आपको हर एक टाइम पे हर एक राह में आपको गाइड सपोर्ट मैसेज करते रहेंगे, आपको एक कहते ना अपनी तरफ से हिंट देते रहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट करिएगा बस उनको। ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है मुझे, मे बी आपके ऊपर आपके किसी फैमिली मेंबर या किसी बच्चे का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है मई मंथ में, मे बी उनकी तबीयत खराब हो तो आपको शायद उनको थोड़ा उनका ध्यान रखना पड़े, बिकॉज ग्रेट पर्सनल सोरो, तो किसी की तबीयत खराब हो सकती है, उनका ध्यान आपको रखना पड़ सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है, तो थोड़े से आपकी स्पीड स्लो हो सकती है, पेशेंस रखिएगा, चीजें हो रही हैं। ओके, बट मई मंथ के लिए मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से लीब्रा। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।